एक दिन की डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की मतदाता जागरूकता यात्रा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश में अलग अलग तरीकों से जागरूकता अभियान चलाकर अपने मत की पहचान कराने का कार्य किया गया, वहीं कानपुर के प्रशासनिक अमले ने एक अलग ही अंदाज में मतदाता जागरूकता यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके लिए कानपुर के डीएम आलोक तिवारी ने मधु यादव नाम की एक छात्रा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाकर मतदाता जागरूकता दिवस के अधिकार प्रदान किए, जिसके तहत इस यात्रा का शुभारंभ कानपुर विकास प्राधिकरण परिसर से किया गया। डीएम बनी मधु यादव ने मतदाता जागरूकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इस अभियान के तहत लगाई गई मतदाता प्रदर्शनी के चित्रों को देख लोगों में वोट किए जाने की जागरूकता को देखा परखा गया। इस दौरान एक दिन की डीएम मधु यादव ने लोगों से अपने वोट किए जाने के प्रति सभी को प्रोत्साहित किया, जिसमें उनका कहना है कि देश के सभी लोग अपने वोट का प्रयोग उसी कैंडिडेट के लिए करें जो अपने मन और विचार के साथ खड़ा उतरे, ताकि वह समाज के बीच विकास कार्यों के प्रति अपने जिम्मेदारी निभाने का कार्य कर सके। अगर सभी लोग ऐसा करते हैं तो सरकार का सहयोग करने का सबसे बड़ा कार्य होगा। वहीं मधु यादव का यह भी कहना है कि वह भविष्य में एक IPS अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। इसी के साथ जागरूकता यात्रा और प्रदर्शनी के दौरान कानपुर के 4 लोगों को फास्ट वोटर की उपाधि से नवाजा गया, जिन्होंने देश के लोगों को अपने मत के सही प्रयोग किए जाने की अपील की। पर्चे भी दीजिएगा। एक दिन की कानपुर की डीएम बनाई गई हूँ। आप सब मतदाताओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने मत का प्रयोग करें। आप मतदाता और आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जिस पर आपको भरोसा हो, जो लगे आपके सपनों को पूरा कर सके, आपके वादों पर खरा उतर सके। क्योंकि अगर आज आप उन्हें वोट नहीं करेंगे, वोट करने नहीं जाएंगे और कल के दिन आप उसी सरकार को दोष देंगे, तो एक ना आपके लिए सही होगा ना आपकी सरकार के। मधु, भविष्य में क्या बनना चाहती हूँ? क्या बनना चाहती हूँ? IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आज डीएम चार्ज आपको दिया गया है, क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर भविष्य में आप डीएम बन गई तो? अगर मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले रहेंगी जनता की मांगे पूरी, जो जनता को असुविधाएं हैं उनकी सुविधाओं को बदलना, असुविधाओं को उनकी सुविधाओं में बदलना और महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करना। अबे शांत रहो भैया, कौन ही है? मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को अत्यंत सुचारू रूप से चलवाया, और उन मतदाताओं को जागरूक करना चाहती हूँ जो आज भी घर में रहते हैं और मतदान करने नहीं जाते हैं और अंततः आकर के सरकार को दोष देते हैं। कृपया समझ करिए, अपने मत का प्रयोग करिए और अच्छी सरकार को चुनिए, जैसे आपका भी भला हो सबका। क्या ड्रीम है आपका? मैंने आपको पिछली बार बताया था मुझे IAS बनना है।